पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश नारायण सावला का पंचम पुण्य स्मरण मनाया गया। अखिल भारतीय गहू ई वैश्य महासभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश नारायण सावला की पंचम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बगीचा सरकार करेरा में आयोजित किया गया। कैलाश नारायण सावला स्मूर्ति न्यास से धर्मेंद्र बडेरिया ने कहा, स्वर्गीय कैलाश नारायण सावला द्वारा दिए गए संस्कार गहुई समाज के बंधुओं के रोम रोम में बसे हुए हैं और हम उन्हीं के बताए रास्तों पर चलकर समाज को ऊंचाई पर ले जाएंगे। सावला के पुत्र दीपक श्याम सावला ने बताया, स्वर्गीय कैलाश नारायण सावला स्मृति न्यास और करेरा गहुई समाज द्वारा इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। बगीचा सरकार पर आयोजित कार्यक्रम में प्रातः 9 बजे सैकड़ों गहुई समाज के बंधुओं द्वारा सुंदरकांड पाठ किया गया। इसके बाद श्रद्धांजलि सभा में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कठिल, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश सेठ बंधु, महामंत्री आलोक टिकरिया 84 क्षेत्रीय सभा अध्यक्ष शिवशंकर सेठ, 84 क्षेत्रीय सभा वरिष्ठ संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश पहारिया, गहुई समाज अध्यक्ष द्वारका निखरा, महिला मंडल अध्यक्ष श्वेता नगरिया, नवयुवक मंडल अध्यक्ष रानू बिलेया सहित क्षेत्रीय सभा के पदाधिकारियों एवं गहुई समाज के वरिष्ठ जन द्वारा श्रद्धेय सांवला को याद किया गया। अखिल भारतीय गहुई धर्मशाला मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भोगीलाल विलेया और कैलाश नारायण सावला स्मृति न्यास के मार्गदर्शन अशोक कस्तवार के अनुसार सावला जी का 84 क्षेत्र से विशेष लगाव रहा है, इसीलिए यह कार्यक्रम 84 क्षेत्र में किया जा रहा है। इस अवसर पर विशिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता अखिल भारतीय गहुई धर्मशाला मंदिर ट्रस्ट अयोध्या के पूर्व अध्यक्ष एवं गहुई समाज झांसी के अध्यक्ष रामप्रकाश नाठोला को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एवं संजय निखरा पार्षद एवं सभापति नगर पंचायत करेरा को राजनीतिक क्षेत्र में उपलब्धि के लिए श्री कैलाश नारायण सावला गहोई रत्न अलंकरण से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सावला परिवार के सदस्य एवं गहोई समाज के बंधुवर पत्रकार अनिल निगोती, रुपेश खंताल, महेश कनकने, संजय बिलैया बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर सावला जी को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा का संचालन मंत्री सतीश बिलैया द्वारा किया गया। नवयुवक मंडल द्वारा सभी व्यवस्थाओं का संचालन बड़े ही सुंदर तरीके से किया गया। संवाददाता संजय गुप्ता बलैया करेरा की रिपोर्ट। आज के दिवस के निमित्त आप सबको को एकत्रित करने का भाई सावला परिवार के लोगों ने अपने पिताजी को याद करके आप सब लोगों के मिलने का जो अवसर हमें प्रदान किया है, इसलिए सावला परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। सबसे पहले आदरणीय सावला जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे बहुत कुछ सिखाया सावला जी ने, मैंने उनके साथ बहुत लंबे समय तक काम किया। सबसे पहले तो मैंने दोनों भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे भैया श्याम जी बातचीत बंद कर दो प्लीज, थोड़ा सा एक मिनट के बाद। हमारे बीच में सावला जी के दोनों पुत्र मौजूद हैं, श्री दीपक जी सावला और श्याम जी सावला। जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो सारे जगह में हाथ जोड़ते घूम रहा था कि भैया चार्ज में कुछ तो दे दो यार, जिससे हम अपना कार्यकाल चालू करें। रात को 11-12 बजे के आसपास दोनों भाई हमारे पास आते हैं और जितना सामान आदरणीय पूर्व अध्यक्ष के माध्यम से जितना सामान सावला जी के पास आया होगा वे सूची लेके आए थे और हमने उसे सूची बना के ले गए कि कौन कौन सा सामान उनको दे गए। तो मैं सावला जी के दोनों पुत्रों को बॉल करने में अपनी महती भूमिका निभाई। ऐसे हमारे परम सम्मानित चाचा जी सुरेश बंधु जी, हमारे महामंत्री भाई, हमारे प्रिय अनुज भाई आलोक टिकरिया जी, हमारे कोषाध्यक्ष भाई मोहन कनकने जी, महासभा के उपाध्यक्ष भाई अशोक सेठ जी, महासभा के मंत्री मनोज चौधरी बब्बा जी, महासभा के ही मंत्री परम सम्मानित राधेश्याम सेठ जी, हमारे वरिष्ठ जो मंत्री के रूप में विराजमान है जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, ऐसे परम सम्मानित राष्ट्रीय मंत्री भाई मंत्री शरण सेठ जी, वरिष्ठ संघ के यशस्वी अध्यक्ष 84 के ओम प्रकाश पहरिया जी, रानू बलैया जी नवी मंडल के अध्यक्ष जी और श्रीमती रजनी गेड़ा जी हमारी कार्यकारी अध्यक्ष महिला मंडल की, उनको ही प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में झांसी के यशस्वी अध्यक्ष जो नव निर्वाचित हुए हैं और मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने निर्विरोध रूप से झांसी के इतिहास में पहली बार राम प्रकाश नाथोला जी अध्यक्ष बने। एक बार उनके सम्मान में ताली बजाने की कृपा करें। ये डिवोटी व्यक्ति है और मैंने तो चार लोगों की तो मैंने सूची बना दी थी जो टॉप 4-5 में रहेंगे और वो टॉप 4-5 में ही रहे, ऐसा हमारा अंदाज था, वो सही निकला और ऐसा मैं राम प्रकाश अपना ईगो बापा बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमारे बीच में स्थानीय पंचायत की महिला इकाई की अध्यक्ष श्रीमती श्वेता नगरिया जी,
समय लगेगा। और जो जो सभी परिष्टों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, युवा साथियों को प्रणाम करता हूँ, मात्र शक्ति को प्रणाम करता हूँ और सभी को यथोचित प्रणाम। मुझे जो एक दो मिनट में अपनी बात कहनी है वो कहना चाहता हूँ। पहले तो मैं अभी ओम प्रकाश पहाड़िया जी ने एक बात कही थी कि हम अपने माता पिता को अमर करने के लिए हमें कितने काम करने चाहिए। सावला परिवार ने ये काम किया है, आगे भी सब लोग अपने माता पिता को अमर करने के लिए कार्य करें। पैसा तो बहुत लोग पैदा करते हैं मित्रों, मैं तो सावला जी के पास धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हमने भागवत की थी चित्रकूट में, भागवत में उन्होंने आने का कहा था, कोई कारण आ गया वो आए नहीं, लेकिन उन्होंने एक दिन का भोजन परम सम्मानित सावला जी के नाम पर एक दिन का भोजन उन्होंने वहां बांटने का तय किया था, उनका आदेश हुआ था। इसलिए मैं स्वामी के पूरे सावला परिवार को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। समेसा मैं समझता हूँ समाज सेवा में आगड़ी रहने वाला परिवार है सावला परिवार, और मैं इनको भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ, बगीचा सरकार से प्रार्थना करता हूँ, इनको इतनी सामर्थ्य शक्ति प्रदान करे कि अपने पिताजी की स्मृति में अभी रायपुर में घोषणा की है विनोद जी ने कि अगला कार्यक्रम रायपुर में करें, और मैं समझता हूँ पूरे देश में अलग अलग जाकर के सावला परिवार कार्यक्रम आयोजित करे। और मुझे मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को मैं तो कुछ दिन में पूर्व हो जाऊंगा, तो जहां भी हमें आदेशित करेंगे समाज के लोग महासभा के कल्याण के लिए और समाज हित के लिए, जहां भी हमारी उपयोगिता समझेंगे हम आपके बीच में खड़ा मिलेंगे, तब मैं आपको वचन देता हूं। एक जानकारी देना चाहता हूं आप लोगों को, अभी हमने एक पत्र लिखा है धर्मेंद्र जी कि मैत्री सर और हमने मिलने का समय पीयूष गोयल से मांगा है, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से समय मांगा है कि 11 या 21 आदमी का प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का। अगर सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं केवल एक ही बात आदरणीय सावला जी के लिए कहना चाहूँगा कि वह व्यक्तित्व थे, सहजता सरलता की प्रतिमूर्ति थे कि जिन्होंने हजारों लोगों को हजारों कंकड़ पत्थर को सुंदर मूर्ति का स्वरूप दिया है, उसमें से एक हम भी है। आज हम जो हैं सामाजिक क्षेत्र में, वह हमारे सामाजिक गुरु थे। सामाजिक क्षेत्र में काम करना आदरणीय सावला जी ने हमें सिखाया है, जीवन के बहुत सारे आदर्शों पर चलना सिखाया है। वह निश्चित ही हमारे सबके बीच में आज ना होते हुए भी अपने आदर्शों से, अपने जो सीख दी है उनके माध्यम से हम लोगों को हमेशा सद रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्वों में सादर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शिवपुरी जिले का तीर्थ है, शादी भी हमें भी जाना है। हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, एक दिव्य आत्मा कीर्ति से श्री कैलाश नारायण जी सावला जी, जिनकी हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। सौभाग्य वास्तव में हमारे कलेरा समाज के लोगों का है कि वह देवात्मा श्री सावला जी की पुण्यतिथि मनाने का हमारे कलेरा के समाज को और हमें सौभाग्य मिला। परम श्रद्धेय श्री के कट्ठल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, चौराही क्षेत्रीय अध्यक्ष महोदय श्री शिवशंकर सेठ साहब, हमारे महासभा के महामंत्री महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष, मंत्री, सभी लोग यहाँ सम्मानित मंच है, सबका अभिनंदन। वास्तव में हर पिता अपने पुत्र के लिए, लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन ये अभी जो 2 घंटे से यहाँ जो ऊर्जा से, भव्यता से, दिव्यता से सुंदर कांड हो रहा था, हम सब बोल रहे हैं ये बड़े से बड़े लोग आए हैं और बड़े से बड़े लोग गए हैं। ये तपस्वी कर्मयोगी ही व्यक्ति है, उनकी कीर्ति और यश से संभव है कि आज हम पूरे शिवपुरी जिले के महासभा के संपूर्ण पदाधिकारी, क्षेत्र के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और उन्हें पूरी विनम्रता से सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने अपनी खुद की लकीरों में रंग भरा, परिवार के लिए रंग भरा। आप विश्वास करिए, अगर मेरी लकीरों में कोई रंग है, अगर मेरी प्रगति में कोई श्रेय है, तो एकमात्र कीर्ति से श्री कैलाश नारायण जी सावला का है। अगर किसी व्यक्ति ने मुझे आगे बढ़ाया, आज मुझे कोई भी आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि मैंने सीढ़ियां कुछ चढ़ ली,
लेकिन पहली सीढ़ी अगर सामाजिक रूप में किसी ने मुझे महत्व दिया वह सिर्फ और सिर्फ सावला जी है। ये निसंदेह मैं पहले तो वो प्रभु श्री चरणों के स्थान में श्रेष्ठ स्थान पाया ही है। मैं भी प्रभु से विनती करता हूँ कि प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में श्रेष्ठ स्थान देना और उनसे कृपा है कि भाई अपने परिवार पर हम सब पर और समाज पर दया दृष्टि बनाए रहे। ओम शांति, ओम शांति। भोजन के